अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मकसूद हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल मकसूद हुसैन चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक पेज की एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। आपके पेज के ऊपर 600K व्यू, 60K 1 मिनट व्यू और 10K फॉलोअर कंप्लीट हैं। अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपका पेज एलिजिबल है या नहीं, मोनिटाइज हो सकता है या नहीं, तो कैसे कर सकते हैं, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपने अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग इन कर लेने हैं। फेसबुक अकाउंट लॉग इन करने के बाद सिंपली आपने पेजेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने हैं और फिर उस पेज को आपने सिलेक्ट कर लेना है जिस पेज की आप एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं। यहाँ से एक पेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ। पेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे पहले आपने पेज की क्वालिटी को चेक करना है। सिंपली आपने पेज क्वालिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं पेज हैज़ नो इशू, मेरे पेज के ऊपर कोई इशू नहीं है। पेज की क्वालिटी आपकी ग्रीन होनी चाहिए। अगर आपके पेज की क्वालिटी रेड या येलो है तो आपका पेज एलिजिबल नहीं हो सकता। और अगर आप मोबाइल फ़ोन में चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपने करना क्या है, आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम में आपने फेसबुक को लॉग इन कर लेना है। फेसबुक ओपन करने के बाद सिंपली आपने ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट के सामने जो बार है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद सर्च बार में आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद सर्च बार में यहाँ पर आपको जो एम नज़र आ रहा है इसको आपने रिमूव करके यहाँ पर वेब ऐड कर देना है। वेब ऐड करने के बाद सिंपली आपने सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट सेम इस तरह ओपन होता है जैसे पीसी या लैपटॉप के अंदर होता है। अब आपने पेज के ऊपर क्लिक करके क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है और सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जिस तरह मैं आपको लैपटॉप के ऊपर करके दिखाता हूँ। और फिर सिंपली आपने क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, सिंपली आपने मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं नो मोनेटाइजेशन वायलेशन, मेरे इस पेज के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। स्ट्रीम ऐड के नीचे गेट स्टार्टेड का बटन भी आया हुआ है, इसका क्राइटेरिया कंप्लीट है। हमने पेज एलिजिबिलिटी चेक करनी है, सिंपली आपने व्यू पेज एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। व्यू पेज एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ इन स्ट्रीम एड्स के सामने आप देख सकते हैं सेटअप का बटन आया हुआ है, इसका मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट है, इसकी एलिजिबिलिटी हम नहीं चेक कर सकते हैं। और इन स्ट्रीम एड फॉर लाइफ के सामने आप देख सकते हैं इसका क्राइटेरिया कम्प्लीट नहीं है। सिंपली व्यू क्राइटेरिया के ऊपर मैं क्लिक करके इसकी एलिजिबिलिटी आपको चेक कराता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं 10K फॉलोअर वाला क्राइटेरिया इसका कंप्लीट है, एलिजिबल 600 व्यू वाला भी कंप्लीट है, इसके सामने 100% आ रहा है और ग्रीन आ रहा है, लेकिन एलिजिबल लाइव मिनट व्यू वाला ग्रीन नहीं है, ओनली 25% है। और एक्टिव वीडियो का भी ग्रीन नहीं है, ओनली 1% है। आपके पेज का वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाता है, आप सारी वीडियो डिलीट भी कर देते हैं लेकिन आपके पेज के ऊपर 5 वीडियो एक्टिव होनी चाहिए जो आपने लाइव स्ट्रीम करके ऐड किए हों, चाहे वो कुछ सेकेंड किए हों। नंबर 1 10K फॉलोअर, नंबर 2 एलिजिबल मिनट व्यू, नंबर 3 एलिजिबल लाइव मिनट व्यू और नंबर 4 एक्टिव जो आपकी 5 वीडियो हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए। ये चारों ऑप्शन आपके ग्रीन होंगे, 100% यहाँ पर लिखा हुआ होगा तो आपका पेज एलिजिबल होगा। अगर एक ऑप्शन में भी आपका रेड ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, 100% नहीं है, तो आपका पेज एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का सेटअप का बटन आपको शो हो जाएगा। यहाँ से एक और पेज के ऊपर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर RAD इशू है तो पेज को यहां से सिलेक्ट करता हूं मैं। यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर मोनेटाइजेशन का इशू है। व्यू पेज एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करके यहां आपको मैं पेज का क्राइटेरिया चेक कराता हूं।
यहाँ आप देख सकते हैं सब ऑप्शन के सामने पॉलिसी का इशू शो हो रहा है। व्यू क्राइटेरिया के ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू शो हो रहा है। अगर आपके साथ भी सेम इशू है तो सिंपली आपने सी इशू के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इशू शो हो जाएगा। हालांकि मेरे इस पेज का 10K फॉलोअर का क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं कम्प्लीट है, वॉच टाइम इसके ऊपर नहीं है, एक्टिव 5 वीडियो भी इसके ऊपर हैं, लेकिन ये पेज एलिजिबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है। आपका पेज कम से कम 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए। अगर आपका पेज 1 मंथ ओल्ड नहीं है तो उसके ऊपर भी आपको पॉलिसी का इशू शो होता है। आपके पेज के ऊपर अगर ये तीनों ऑप्शन ग्रीन होते हैं तभी आपका पेज एलिजिबल होता है, अदरवाइज आपका पेज एलिजिबल नहीं होता है। अगर ये ऑप्शन आपके ग्रीन होते हैं, आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो आपके सामने सेटअप का बटन शो हो जाता है, उसके बाद आप अपने पेज को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप अपने फेसबुक पेज की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपका पेज मोनेटाइज हो सकता है या नहीं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।